देश की बात सर, ये प्रदर्शन है, सिविल का मौका हो रहा है, इसी का विरोध हम लोग कर रहा है, देश पर हो रहा है, इसी वजह से ये चल रहा है सर। आंदोलन सरकार को रोकना चाहिए, लगातार तो सीवर में मौतें हो रही है, सख्ती से कानून को लागू करना चाहिए। और हम सब कुछ कर चुके हैं, हम आज से नहीं, पिछले कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, लेटर लगातार जाते हैं, सारे कागजी कार्रवाई सब हो चुकी, लेकिन अभी इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। कि किस तरह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये इन लोगों ने बाबा भीमराव अम्बेडकर का तस्वीर ले रखा है, और उनके पास पोस्टर है, ये पोस्टर में मैं दिखाना चाहूँगा कि ये प्रदर्शन करने वाले हैं जंतर मंतर पर 25 सितंबर को। कुछ लोग पर्ची की बात है, जी बताइए क्या मतलब, क्या ये यहाँ क्या है, लेकिन इसे दिल्ली में कैपिटल सिटी में 7 लोग मर गए पिछले 1 सप्ताह के बीच, और सरकार के ऊपर से कोई भी कुछ भी नहीं हुआ है, कोर्ट के कागज बन चुके हैं, कैपिटल नहीं हुआ है, तो हम इसे हत्या ही बोल रहे हैं। उस तरह से हम बताना चाह रहे हैं, अपना विरोध दर्ज कराना चाह रहे हैं, सरकार को याद दिलाना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की, सुप्रीम कोर्ट के कानून जाने के बाद कुछ कुछ वो काम करें, और जो भी हत्याएं ये लोग के नाला साफ करने के दौरान जो लोग मारे गए हैं उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मैं और जो काम करने के दौरान जिनकी मृत्यु हो जाती है नाले में, जो सफाई करते हैं उनके ड्राइवर हम कहाँ से हैं, लॉ आया है, लेकिन उसके बाद जो भी है इसका मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं हुआ, उसके तो कोई फायदा नहीं हुआ। आप सुन सकते हैं कि ये लोग मांग कर रहे हैं मजदूरों के लिए, जो हम नाला साफ करते हैं, जो सड़क की सफाई करते हैं, दरअसल ये सीरियस मामला है, सरकारों को बिल्कुल ध्यान देनी चाहिए। हाल ही में हम सब ने अखबार में पढ़ा होगा, मीडिया में देखा होगा कि कुछ 3 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी दिल्ली में सीवियर साफ करते हुए। तो ये मामला गंभीर है दोस्तों, सबको विचार करना चाहिए कि जो लोग हमारे मैला साफ करते हैं, हमारी घर की गंदगी साफ करते हैं, जनता को उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, पढ़े लिखे लोगों की आवाज़ उठानी चाहिए। ये हाल तब है जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और ये दावा करते हैं कि गरीबों की सरकार है, ये लाचार लोगों की सरकार है, पिछड़े हुए लोगों की सरकार है, लेकिन ये प्रदर्शन अपने आप में साक्षी है कि लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो जो लोग कहा जाता है लोकतंत्र के सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, सरकारें उनको ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाती है, लेकिन देखिए लोगों को सड़क पे आना पड़ रहा है उन लोगों के मांग के लिए जो लोग मारे गए हैं नाला साफ करने के दौरान। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, देश की बात में और लोगों को जरूर हमारा चैनल।